लो ओल यहाँ देखो अल्लाह ताला तो ठीक कर दो यहाँ पे अच्छा इस तरफ को तत्ते पे को ठीक कर लो आ चप्पो क्या हुआ है चप्पो क्या हुआ है चप चप को क्या हुआ है चप क्या है ये सब क्या है अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू तो समीनाज रूटीन ब्लॉग उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे यहाँ पर आज मैं पूरे छः दिन के बाद ब्लॉग डाल रही हूँ और ये देखिए अभी भी बच्चों की तबीयत कुछ खास ठीक नहीं है अभी भी उनके बदन पर जो चिकन पॉक्स अभी तक सूखा नहीं है कहते हैं कि वो दस पंद्रह दिन से ज़्यादा लग जाता है सूखने के लिए और अभी गर्मी के मौसम में तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है और अभी ये देखिए यूसुफ़ के हाथों हाथ में और पैर में सब जगह पे जो इचिंग हो रही है ना इसकी वजह सो नहीं पा रहा है सभी सो रहे हैं और मैं इनको इसको लेकर बैठी हूँ अभी हस्बैंड भी लेकर बैठे थे फिर वो सोए तो उन्हें क्यों सुबह ड्यूटी पर जाना था और मैं उसे लेकर बैठ गई थी तो इसी तरह से ना पूरा दिन जो है ना पूरा महीना ऐसे ही गया है हमारा इन जल्द ठीक हो जाए बच्चे खैर यहाँ पर सांस बना रही थी खटाई तो एक किलो से ज़्यादा है खटाई और वो बनाने के लिए आधा पाव जो है ना धनिया ले लिया है उसे अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेना है चार पांच बड़े बड़े चम्मच जो है ना सौंफ ले लिया है ये जितने भी मसाले ना सारा कुछ है ना ड्राई रोस्ट करना है ये एक चम्मच है मेथी मेथी दाना बहुत ज़्यादा नहीं डालना है ना तो कड़वा जाएगा ये देखिए बहुत ज़्यादा नहीं है बिल्कुल एक चम्मच से भी कम है और सौंफ भी है ना दो से तीन चम्मच है तो उसे भी भून लेना है हल्का सा अब ये जो है ना सास मेरी जो बनाती है ना तो मैंने सोचा मुझे तो ये चीज़ आती नहीं बनानी तो मैं रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ और इसी बहाने ना रेसिपी स्टोर मेरे पास हमेशा बैकअप में रहेगी और इन फ्यूचर मुझे कभी बनाना होगा ना तो मैं इसे देख बना ली बना लिया करूँगी क्योंकि हस्बैंड को है ना खटाई वाली दाल बहुत अच्छी लगती है बीस से पच्चीस लाल मिर्च जो सूखी लाल मिर्च है उसे भूनने के बाद यहाँ पर एक चम्मच है ना मंगरैल ले लिया है उसे भी हल्का भून लेंगे और ये टाइम पे ना गैस ऑफ कर देना क्योंकि पतीली जो है ना बहुत अच्छे से गर्म हो गई थी और मंगरेल जो है बहुत जल्दी से भून उठता है तो ये सारा कुछ है ना अच्छे से ड्राई रोस्ट करने के बाद है ना इसे ठंडा कर लेंगे तो बेसिकली ना ये रेसिपी मैं बहुत बहुत दफ़े मैंने देखी हूँ लेकिन आज मैं पहली बार है ना रिकॉर्ड कर रही हूँ और मुझे हमेशा अब याद रहेगा कि क्या क्या मसाले लगते हैं बेसिकली ना मेरे सास जो है ना जो एकदम यूपी स्टाइल के मतलब मसाले वगैरह प्रिफ़र करती है तो इन्हें ना खटाई बहुत अच्छे से आती है बनाने तो अगर आप इसी तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत अच्छी बनेगी ये ना नेक्स्ट डे का व्लॉग है जिस दिन वोटिंग थी ना उसी दिन का तो ये टाइम तक तो मैंने क्लिप शेयर कर ली थी मतलब है ना ले ली थी और उसके बाद जो क्लिप थी ना ये सारा कुछ है ना शाइस्ता ने ली थी क्योंकि मैं चली गई थी वोट देने के लिए मैं अभी आपको आगे बताऊंगी कि वोट देने के पीछे भी मेरा बहुत बड़ा मतलब इशू हो गया था सास ने खटाई एक बार धुल के सूखवा दी थी लेकिन फिर से इसे ना नमक पानी में एक बार फिर से सूख करके कुछ तीन से चार घंटे रख दी थी अब इसे छन्नी में रख देगी और इसे पानी पूरा ड्रेन कर लेगी ये सूखी हुई खटाई जो है ना पूरा मतलब जो जालीदार आम होता है ना उसे ना अच्छे से कट करके सुखा लेते इतनी मई की कड़कती धूप में सूख भी जाता है तो ये बेसिकली यहाँ पर देखिए अब शाइत को है ना समझ नहीं आ रहा था कि क्लिप किस तरह से ले तो इतनी दूर बैठ के क्लिप ले रही थी बाद में मैंने इसे बहुत डांट लगाई थी मतलब मेरा काम देखने के बावजूद भी ना देखिए कितनी दूर से क्लिप ले रही है मैंने उसे कहा था कि बहुत नज़दीक से लेना ताकि सारे मसाले जो है अच्छे से देख पाए तो खैर यहाँ पर है ना तीन से चार चम्मच जाएगा लाल मिर्च पाउडर और ढेर सारा हल्दी गया है कम से कम दस दस चम्मच और तीन से चार चम्मच गया है नमक और ये है ना आधा लीटर से भी कम है तेल सरसों का तेल तो खटाई में जो है ना बहुत कम तेल यूज़ होता है क्योंकि ये अचार जैसे डुब दुबो, डुबोना नहीं होता है मतलब मसालों को और ये सारा कुछ अच्छे से ना अब हाथों से मिक्स कर लेंगे क्योंकि अभी ये जो रेसिपी जो है ना बिल्कुल एकदम ट्रेडिशनल रेसिपी है मेरी सास है ना बिल्कुल भी है ना मतलब ऐसा कुछ भी आ, कुछ स्पैटुला है या फिर कोई और चीज़ है यहाँ तक के ना अगर समझो मिक्सी ना हो ना तो वो है ना खलबट्टे में या फिर वो जो सिलबट्टा होता है ना उसमें वो पीस लेती है यहाँ पर देखिए धनिया जो पाउडर वगैरह सब किया हुआ था और उसमें कुछ है ना चार से पाँच बड़ी बड़ी कलिया लहसुन की उसमें भी पीस लिया है अब मैं सारा कुछ है ना इसमें डिटेल्स नहीं बता पा रही थी क्योंकि ये सारा कुछ मेरे गैर मौजूदगी में बना गया था और मैं चली गई थी वोट देने क्योंकि वोट देना भी बहुत ज़रूरी था और मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरी मम्मी के यहाँ पर मुझे वोट देने जाना पड़ता है तो हस्बैंड बोल रहे थे क्यों जा रही हो वोट देने के लिए जाने दो अभी छुट्टी का टाइम है बहुत गर्मी है ऐसा है वैसा है लेकिन मैं बोल रही थी कि ना मुझे अभी जाने दो क्योंकि हर बार है ना छुट्टी तो मिलती नहीं है कहीं ना कहीं एग्ज़ाम होता है कहीं ना कुछ हो जाए मतलब कुछ ना कुछ इतने मतलब रीजंस होते हैं ना वोट नहीं देने के लिए कि हम गांव चले जाते हैं या फिर कहीं घूमने चले जाते हैं तो इस वजह से नहीं हो पाता है लेकिन आज तो मैं है ना अपने मतलब है ना कुछ ना कुछ बहाना मैं नहीं बोली अब अब बस हो गया आज तो अब अब छुट्टी का टाइम है तो मैं वोट देने ज़रूर जाऊँगी तो ये सारा कुछ है ना वोट देने के टाइम जब मैं चली गई थी ना उसके बाद ये शाइस्ता ने सारा क्लिप ली थी अब आप लोग को कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा तो ये देखिए खटाई में जो है ना सारा कुछ मसाला हाथों से मिक्स किया जा रहा है अब इसे ना सास जो है हर एक हफ्ते तक है ना धूप दिखाएगी और ऐसे ही कंटिन्यू कुछ सात दिन तक इसे धूप में रखने के बाद फिर मैं आपका इसका फ़ाइनल लुक बताऊंगी ये नेक्स्ट डे का क्लिप है और है ना बच्चों को मैं देखिए जिस दिन वोटिंग थी ना तो उसी दिन है ना मतलब बच्चों को नीम के पत्ते से सब कुछ नहलाना था क्योंकि एक एक करके ना बच्चों का जो है ना सेवन टू नाइन डेज़ होते जा रहा है चिकन पॉक्स आने के बाद तो फर्स्ट टाइम जो है ना नीम के पत्ती से नहलाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि सारे बैक्टीरिया जो बदन के होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं मर जाते हैं और ये देखिए यूसुफ़ के चेहरे पर भी पूरा भरा हुआ है इसी तरह अनम के चेहरे पर भी पूरा भरा हुआ है सबसे ज़्यादा अनम को तकलीफ़ हुई थी अब बच्चों को नहलाने के बाद है ना आ गई थी किचन में और किचन तो आजकल है ना बहुत गंदा हुआ है क्योंकि ना बच्चे की सब बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है ना तो कुछ डीप सफ़ाई नहीं हो पा रही है बस ऊपर ऊपर से सफ़ाई कर लेती हूँ और जो बाकी जो डिटेलिंग सफ़ाई होती है ना एकदम डीप क्लीनिंग जो होती है कुछ नहीं हो पाता है बड़ी मुश्किल से खाना बनता है और फिर है ना कुछ ऊपर के काम हो जाते हैं और ये देखिए अभी स्टील के डब्बे वगैरह सब कुछ बहुत गंदा हुआ है अब मैं जब ये बच्चे फ्री हो जाएंगे ना ज़रा सा तो मैं इसे सारा कुछ क्लीन करते बैठ जाऊंगी अब गर्मी इतनी है तो दिल करता है कि कुछ दिन भर है ना ठंडा पीते रहो और मेरी आदत है कि नींबू पानी मैं बना बना के रखी रहती हूँ तो उसे बना ठंडा और ठंडा करने के लिए ना मैं यहाँ पर चिया सीड्स यूज़ कर रही हूँ तो ना दिन भर के लिए मैं सोख करके रख दूंगी कम से कम दो दिन के लिए तो मुझे ना इजी हो जाएगा बार बार ये सोख नहीं करना पड़ेगा जब भी लींबू पानी या कोई और शरबत या डिटॉक्स वाटर ही बना लो सादा पानी जो होता है तो उसमें हम ये ऐड करके पी सकते हैं ताकि अपना बॉडी जो है वो पूरी तरह से ठंडा रहे और पेट के लिए भी बहुत अच्छा फ़ायदेमंद है तो इसे भी मैं भिगो के अब रख दूंगी और ये देखिए ये है ये जो आपके लेफ़्ट साइड में दिख रहा है जिसमें वाइट स्पून है ये है चिया सीड्स ये जरा सा गोल गोल होता है और ब्राउनी होता है और ये जो है ना पूरी तरह से ब्लैक होता है ये है सब्ज़ा जो मोस्टली यहाँ पर इंडिया में जो है ना फालूदे में डाला जाता है और इसका कोई टेस्ट नहीं होता और चिया सीड्स अगर आप भिगो के रखेंगे ना तो उसमें एक अजीब सा पानी में जो है ना एक अजीब सा टेस्ट आ जाता है ये देखिए यूसुफ़ है ना उठते बैठते सोते जागते बस इनको इचिंग इतनी होती है ना और छोटे हैं ना तो फिर इनको समझ में भी नहीं आता है बार बार मना करना पड़ता है कि बच्चे खुजाओ मत खुजाओ मत वरना दाग पड़ जाएगा और ज़्यादा फैल जाएगा बड़ी परेशान हो गई थी अभी ये एक महीने से ना सभी बच्चों को लेकर जल्द से जल्द माशाल्लाह से बच्चे अब ठीक हो रहे हैं और मैंने ऐसा कुछ दवाई वगैरह खास मैं इनको दी नहीं थी जो कुछ भी था सिर्फ पेन किलर था और मफतल जो बुखार की दवा होती है ना वो मैंने इन्हें प्रोवाइड की थी और यहाँ पर है ना जल जल में ना आजकल है ना इसी तरह का खाना मैं बना रही हूँ ताकि जल्दी से बन जाए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त है ना अपने बच्चों के साथ गुजार सकूँ तो यहाँ पर मैं बना रही थी प्रॉन्स पुलाव हालाँकि प्रॉन्स ना मुठ्ठी भर भी नहीं था बहुत ज़्यादा भी नहीं था लेकिन जब थोड़ा भी हो ना प्रॉन्स अब तो पुलाव में बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है तो बेसिक चीज़ें यहाँ पर मैंने ले ली हूँ जैसे कि दो बड़े कांदे मैंने ऐड कर दी हूँ थोड़े से गरम मसाले खड़े गरम मसाले बहुत ज़्यादा ज़्यादा गरम मसाला नहीं ऐड करना है वरना कर, पुलाव जो है ना वो कड़वा जाएगा और इस पुलाव में कड़ी पत्ता बहुत ज़रूरी है लोग कहते हैं इस टाइम पे बघारा नहीं खाना चाहिए या फिर बहुत मसाले वाला नहीं खाना चाहिए तो एटलीस्ट है ना बच्चों को है ना इस तरह का खाना नहीं दे सकते लेकिन मैं ना बच्चों के लिए अलग सा खाना बनाती हूँ और अभी आजकल है ना कुछ दिन सेवन टू नाइन डेज सभी का हो गया है तो बच्चों को ना थोड़ा सा चटपटा खाने का मन कर रहा था तो मैंने सोचा कुछ कुछ नहीं तो है ना हल्का मसाले में थोड़ा सा पुलाव बना देती हूँ ताकि उनको भी अच्छा लगे यहाँ पर है ना लहसुन और मिर्ची का जो पेस्ट है ना लहसुन और अदरक का पेस्ट कुछ एक चम्मच थोड़ा सा नमक डाल के मैं कूट लूँगी इसमें कूटा हुआ खाना जो है ना बहुत ही अच्छा टेस्टी बनता है और कभी कभी जब मेरा मन होता है ना तो मैं सिलबट्टे पे भी मसाला पीसती हूँ ये बहुत ही मेरा फेवरेट है हाल ही में मैंने ये ली हूँ और ये ऑनलाइन मंगाई थी बहुत ही अच्छा छोटा सा बहुत प्यारा सा है और इसमें जो खासियत है ना कि ये ना इसमें मसाले बाहर नहीं आते और छींट भी नहीं पड़ती है क्योंकि साइड में जो जगह है ना वो बहुत कम है और ये देखिए मिनटों में ना जल्दी से मसाला बारीक हो गया है ये तकरीबन सिर्फ एक चम्मच है लहसुन और अदरक का पेस्ट और जो बचा कुचा कुछ है ना तो वो पानी डाल के हम निकाल लेंगे तो इस तरह से ना आप जो टिफ़िन में अगर आप दे सकते हैं इस तरह का पुलाव तो झटपट है ना कुकर में बन जाएगा और जो वेजिटेरियन है आप पनीर के साथ ट्राई कर सकते हैं या फिर मिक्स वेजिटेबल्स भी यूज़ कर सकते हैं मिर्ची आप अपने हिसाब से डाल लीजिए यहाँ पर तीन से चार मिर्ची मैं कूट के नहीं डाल रही हूँ कट करके डाल रही हूँ ताकि बहुत ज़्यादा तेज़ ना लगे एक चम्मच जाएगी हल्दी और बाकी का जो है ना रेसिपी बहुत सिंपल है आज की और बे बेसिकली मैं और वोटिंग के लिए भी जब जाना था ना तो मैं फटाफट से ये सब बना के चली गई थी आधा चम्मच जाएगा ज़ीरा पाउडर और एक चम्मच जाएगा गरम मसाला ये तकरीबन तीन कप चावल के लिए मैं बना रही हूँ तीन से चार कप तो मसाला कुछ इस तरह से है और इसमें ना देखिए एक आलू मैंने कट करके डाल दी हूँ प्रॉन्स देखिए कितना सा है बहुत थोड़ा सा प्रॉन्स है तो इतना सब ये ना पूरे पुलाव में काफ़ी है बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है बहुत लोग हैं ना इसको खुशबू से ना मतलब जो स्मेल आती है ना इसकी वजह से खाते नहीं हैं लेकिन बेसिकली मैं मुझे तो सी फूड बहुत पसंद है मैं एक बार बीफ वगैरह नहीं पसंद करती लेकिन चिकन के बाद अगर मुझे कुछ पसंद है ना तो फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा सी फूड ही आता है और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे सी फूड बारिक बारिक टमाटो को मैं कट कर लूँगी और इसे थोड़ा सा है ना अच्छा सा लाइक जाड़ा जाड़ा ही रखूँगी ताकि पुलाव में नज़र आए और साथ ही कैरेट को भी मैंने कट कर लिया है और मेरे पास आधी शिमला मिर्ची थी वो भी मैंने ऐड कर दी इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ गया था सारी सब्जियों का भी अब चावल के मुताबिक है ना जो मैं नमक ऐड कर रही हूँ पहले मसाले भी मैंने नमक ऐड की हूँ तो ज़रा हाथ संभाल के नमक ऐड करना है इसे मसाले को अच्छे से ना फास्ट आंच पर भूनना है क्योंकि अब ये सारे मसाले तो कुकर में प्रेशराइज़ अच्छे से हो जाएंगे तो वो पक जाएगा और यहाँ पर है ना धनिया भी ऐड कर दूँगी इस तरह का खाना बनाने से क्या होता है ना रोटी बनाने की झंझट नहीं होती है फटाफट से बस पुलाव बना लो और ये ना मतलब सारा कुछ दोपहर का लंच रेडी हो गया था बच्चों को ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आती है वो कहते हैं हमें टिफिन में भी इस तरह का खाना दीजिए क्योंकि ना टिफिन में भी इनको इन तकरीबन तकरीबन साढ़े पाँच से छः घंटे रहना पड़ता है और ये देखिए इतनी गर्मी हो रही है कि मुझे पूरा स्लीव्स वगैरह ना ऊपर करके काम करना पड़ रहा है बहुत तेज़ गर्मी हो रही थी बहुत आँच लग रही थी इसके लिए ना इस टाइप का खाना जो है ना मुझे अच्छा लगता है बनाने झंझट ही नहीं होता कोई चीज़ का मतलब रोटी बनाओ ये करो वो करो तो जितना चावल था ना उसका डबल मैंने पानी ले ली हूँ जो भी आप मेजरमेंट लेंगे ना उस हिसाब से कभी भी आप पानी और चावल का मेजरमेंट ऐड करेंगे ना पानी जैसे कि मैंने तीन कप चावल ली हूँ तो छः कप पानी मैंने ऐड की हूँ इसमें तो बिल्कुल भी चावल आपके ना खिले मतलब चिकट नहीं होंगे खिले खिले से बनेंगे इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी और सीटी लगा दूँगी तकरीबन दो से तीन तीसरा सीटी जो है ना हम स्लो पे रखेंगे ताकि चावल नीचे से जले नहीं यहाँ पर मुझे वोट के लिए जाना था इसके लिए फटाफट से काम समेट रही थी ताकि ना यहाँ पर बच्चे किचन में आए नहीं और आए तो सिर्फ खाना खाने के लिए आए और यहाँ पर कुछ ज़्यादा फैलाए भी नहीं तो मैं सारा कुछ समेट के चली गई थी अब जाने से पहले जो है ना मैंने सोचा एक बार है ना कुकर को जो खोल कर है ना सारा कुछ अच्छे से मिक्स करके मैं आपसे शेयर कर लूँ क्योंकि अभी बच्चों को बोलूँगी ना तो वो मिक्स नहीं करेंगे और अच्छे से ना इधर उधर मतलब जो सामान जो सारा का, जो इन्ग्रीडियंट्स इसमें डला हुआ है ना तो मिक्स नहीं करेंगे और एक साइड से निकालते जाएंगे कुकर में पुलाव बनाओ ना तो यही एक प्रॉब्लम होती है कि सारे मसाले एक साइड हो जाते हैं तो हम क्या करेंगे इसे अच्छे से पहला मिक्स कर लेंगे ताकि बच्चों को भी ना निकालना आसान हो जाए ये देखिए सब कुछ है ना अच्छे से एक बाजू था तो जो सब सारा कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चावल देखिए कितना खिला खिला सा बना है तो आप बेसिकली ये जब बहुत ज़्यादा फटाफट से खाना बनाना हो ना तो आप ये सारी चीज़ें ना सिर्फ वेजिस के साथ भी बना सकते हैं या फिर आपके चिकन जो छोटे छोटे पीसेस करके रखे होंगे फ्रीज़र में तो वो भी उससे भी बना सकते हैं तो ये प्रॉन्स पुलाव रेडी है Hour later. अब जा रही मैं वोट देने के लिए और जैसे कि मैं अब जा रही मेरी मम्मी के यहाँ पर तो मैं इतनी खुश थी ना और अकेले निकल पड़ी थी मेरे हस्बैंड थे मेरे साथ और ना मतलब इतनी खुशी हो रही थी दिल में लड्डू फूट रहे थे लेकिन बच्चों को छोड़ने का उतना ही दुख था कि उनको छोड़कर मैं जल्दी जाती नहीं इस तरह से और यहाँ पर पहुँचने के बाद है ना मेरी बहने बहुत खुश हो गई थी और यहाँ पर देखिए जब मैं अपने विक्रोली जब स्टेशन आती हूँ ना तो पता नहीं ऐसे दिल एकदम से ना हरा भरा हो जाता है कुछ नहीं भी हो ना इतना सूखा इतना सब कुछ पड़ा था लेकिन फिर भी इतना अच्छा लग रहा था और ये यह देखिए यहाँ पर मैं वोट देकर आ गई थी ये नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वोट उसी को देना चाहिए था जिससे मैं समझ सकती हूँ कि जो मेरा सोसाइटी का या फिर पूरे जो इर्द गिर्द जो है काम कर रहा है और मौके का फ़ायदा ना उठाए ऐसा हो नहीं सकता है यहाँ पर नानी ने करा दी है बच्चों की स्कूल की शॉपिंग इस साल का वोटिंग का दिन है ना मेरे लिए बहुत ही यादगार रहा क्योंकि ना बेसिकली मुझे इस तरह का टाइम स्पेंड करने का अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है हमेरा मेरे हमेशा जो है ना मेरे पीछे जो बच्चे रहते ही है तो आज मैं अकेले आई हूँ और मौके का फ़ायदा उठाया है मैंने और मेरे फैमिली ने तो हम चले आए थे डी मार्ट और नानी ने नानी ने ना सारा कुछ है ना बच्चों के लिए शॉपिंग करा दी थी बहुत सारे सामान उनके लिए भेजी थी मतलब है ना मैं अकेले आती हूँ या फिर समझ लो फर्स्ट टाइम वैसे वैसे तो मैं अकेले आई थी लेकिन यहाँ पर जब भी मैं आती हूँ ना मेरे पास अगर एक बैग होगा ना तो कम से कम दो से तीन बैग मैं लेकर जाती हूँ तो मतलब अगर मैं चाहूँ भी ना कि मैं अकेले खाली हाथ मतलब जाऊँ तो ये लोग मुझे इस तरह से जाने नहीं देते तो यहाँ पर देखिए मेरी दोनों जो बहनें हैं ना हीना और सोनी उन्होंने मेरे लिए वैफिल मंगाया है चॉकलेट वैफिल उनको पता है कि मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है और यहाँ पर है ना बस व्लॉग एंड करने का टाइम आ रहा है और मैं आपसे जो चीज़ें ना बच्चों के लिए नानी ने भेजी है और जो खटाई की जो फ़ाइनल लुक रहेगी ना वो मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी इन आप जल्दी जल्दी व्लॉग डालूँगी तो अपना ख्याल रखें दुआ में याद रखें मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में अल्लाह हाफ